अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ कराची, मेरे साथ इमाम अली बख्श। वहाँ क्या हाल है? ठीक है सर, आप तो सही है? कहाँ चल रहे हो, क्या सीन है? कराची जा रहे हैं हम किसी दोस्त के पास घूमने के लिए। घूमने के लिए, फिर एक दावत भी अटेंड करेंगे। वाह वाह, इसी वजह से जा रहे हैं। तो कराची का टूर है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी हमारी बस पीछे खड़ी है, हैदराबाद में अभी हैं, आगे चलते हैं। जो सीन होगा इस वीडियो में होगा। चल चल के हालत हो गई है। मामा कहाँ पहुँचे हैं? बस नूरियाबाद क्रॉस की है अभी। अब कितना टाइम लगेगा कराची? अभी भी एक घंटा लग जाएगा। एक घंटा? फिर क्या दुबई जा रहे हो क्या? दुबई से भी ये गाड़ी अभी यू टर्न नाम है, बस इसका नाम रह गया। इससे तुम अपनी गाड़ी उठा दे फिर सही नहीं था? उसमें दो ढाई घंटे में पहुँच जाते। अल्लाह का शुक्र सर, बस क्या करें, चल रहे हैं भाई, चलते सफर में। हाँ तो गाइस अभी हमने टूर क्रॉस कर लिया कराची वाला। अभी एक दोस्त हमारा आगे हमको रिसीव करेगा, फिर जाएंगे उसके साथ, फिर जो होगा इस वीडियो में सीन होगा। तो गाइस हमारा दोस्त इम्तियाज और मामा इख्तियार लेने आए हमको। मामा क्या हाल है इख्तियार भाई? तबीयत सही है? मामा गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर हो गया अभी बड़ा, आगे एक आदमी बैठा है हमारा। हमारे क्या हाल है? कहाँ पहुँचे हो, क्या है, कहाँ जा रहे हो? पहुँच गए अभी, जा रहे हैं। क्या, क्या करें इसका पता नहीं, आप लोग दोनों फारिग हो गया तो काम नहीं। यार तुम बोला के तुम ऐसे बेइज्जती कर रहे हो हमारी। माँ मेरी छोड़ो, मामा इज्जत वाला बंदा है। मामा क्या हाल है आपके? खैर है, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हो आप? यही जरदार साहब के पास जा रहे हैं। पहुँच गए इम्तियाज भाई के पास। भाई 300-400 किलोमीटर चल के आए। मामा किस लिए आए? रैश पर पहुंच गए। मामा ये क्या है? ये अपना घर है। आज क्या सीन, किसको देखने आए? बस आज रजा साहब को देखने आए। जो निजी हॉस्पिटल क्लिप पर मैं वहाँ पे जाएंगे उसकी अयादत। इम्तियाज भाई की बड़ी मेहरबानी। हाँ देखेंगे, ओह वाह वाह। हमारा सफ़र कैसा रहा ये पता? माशाल्लाह वीआईपी रहा। जिस बस का तुमने टिकट करवाया था उससे तो मैं तंग हो गया। कितने घंटे लगे आने में? तो मेरे यहाँ मेहरान जल्दी लेके आ जाते। मामा इख्तियार, मामा क्या हाल है? तबीयत सही है यार? ये तो खाना बनवा लिया इम्तियाज भाई। मामा तेरे लिए खाएगा या नहीं खाएगा? खाना पड़ेगा, इतने दूर से आए तो। गाइस इधर फोटोग्राफी चल रही है। मामा क्या हाल है? मामा क्या हैंग हो गया है, फोटो खींच रहा है, क्या कर रहा है? मामे ने शीशा पे नजर ऐसे। मामा क्या कर रहा है? पूछूंगा आईफोन है मामा। ऐसे आए इम्तियाज भाई के पास बैठे हैं, दो तीन घंटे हुए। हमारा दोस्त आया है। भाईजान क्या हाल है? तबीयत सही? इसको आपने देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा फिर देख लो इसको, इसको। और ये तो मेरे साथ आए मामा। ये नजीर भाई, नजीर भाई क्या हाल है? तबीयत सही है? ये बहुत दूर से मिलने आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। भाईजान आए अभी मेरे से मिलने, तकरीबन 70-80 किलोमीटर चल के तेल के पीछे। मामिन जी फिर ना के खाना खा रहे मामा फिर से? रेडी सारा दिन तो खाए जैसे आया तू यार। मामा अपना पेट समझ कर खाना चाहिए। अभी
थोड़ा बाहर जाने का सीन है, बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। द सिटी ऑफ लाइट, आपने सुना ही होगा कराची का सबसे लाइट में, मतलब पूरी दुनिया में इसको सिटी ऑफ लाइट बोलती है। अभी चलते हैं दोस्तों के साथ। क्या भाई क्या ला कर गए बेटा, उबाल उठा जल्दी करो। तो आज जो पाकिस्तान ने मैच जीता ना, इसने जीता है। बड़ी कुर्बानी लोगों की। ये इम्तियाज भाई की ऑफिस है जहाँ पे ये बैठते हैं। जिस दोस्त को मिलना है भाई से रब्ता करे, भाई कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तो जो भी करा जी भाई से रब्ता करे। मामा ऐसे कैसे या नहीं, बिल्कुल वीआईपी सर्विस है भाई। आदमी कैसा है ये बता। माशाल्लाह भाई जबरदस्त ग्रेट बंदा है। तो आज तुम इससे क्या ले रहे हो, क्या चुरा रहे हो ये बता। मैं इससे दिल चुरा रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, बड़ा सिस्टम लगा हुआ इसका। आ गए, सुना है इधर की चाय बहुत ही मशहूर है, फेमस है भाईजान। ऐसे कैसे तुम्हारा चाय पीने आया क्या? अच्छा, ये हमारे व्लॉग का हीरो है। हम ऐसे हीरो और विलन दोनों। इतनी खुशी। क्या चला रहा, क्या ये क्या चाय पियो, चाय आ गई अभी। ये तो पागल हो गया लड़का जो सामने बैठा है ना। नहीं नहीं, इश्क नहीं गा, इश्क के चक्कर में नहीं है ना बेटा। तो गाइस बाहर गए थे घूम के आ गए, अभी आपको हम डॉन शूट दिखाएंगे। तो कराची रात की जो आपको पता है बहुत अच्छी होती है। मामा ऐसे कैसे? बिल्कुल कराची तबीयत सही है, अल्लाह का शुक्र है। ओके, रात के 3 बज रहे हैं भाई, सो जाओ। ये बात है, अभी सो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉन शूट देखें। तो गाइस ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा है, इधर कोई एयरपोर्ट वगैरह नज़दीक है, जन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्क्रीन पे मैं दे देता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं इसके बारे में क्या आएगा नहीं, बड़ा सिस्टम लगा होता है। तो ये अभी हम बैठे हैं, ड्रोन नहीं उड़ा यार, क्या करें भाई। की बात है, उमरकोट नहीं है। बस ये मैंने सोचा उमरकोट उड़ जाएगा। चलो अभी इंशाल्लाह। तो भाई ड्रोन नहीं उड़ रहा था भाई, फ्लाई नहीं हो रहा था, थोड़ा इशू आ रहा था, एयरपोर्ट यहाँ पर नज़दीक है तो इसलिए ड्रोन फ्लाई नहीं कर सके। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।